हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, एरर फीडबैक रिक्वायर्ड। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है अपने इंस्टाग्राम में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपके इंस्टाग्राम में कोई अपडेट आया है या नहीं। तो आपको प्ले स्टोर में यहाँ पे आ जाना है, ऐप स्टोर में, और आपको सर्च बार पर सर्च कर देना है, और आपको यहाँ पे ऐप स्टोर में सर्च कर देना है इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को सर्च कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद आपको चेक करना है कि आपके इंस्टाग्राम ऐप में कोई अपडेट है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम ऐप में अपडेट होता है, तो आपको सिंपल से अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ऐप को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो आपको भी मेरी तरह इंस्टाग्राम ऐप को ऐप स्टोर में सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐप स्टोर में इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा ख़राब है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम ऐप निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके इंस्टाग्राम में अपडेट होता है तो आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। ऐप को अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो अब मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको एक जनरल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, और आपको यहाँ पर आईफोन स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी लोडिंग होगी, और आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है वो निकल के आ जाएगा। तो जो मैंने पहले बताया वो आपको कर लेना है, या फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आना है और अपने इंस्टाग्राम ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको इंस्टाग्राम ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऐप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप साइज़ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट जो ऐप है वो यहाँ से कर सकते हैं, और दोबारा से इंस्टॉल भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप अपडेट करें इंस्टाग्राम ऐप को, और अगर अपडेट से काम नहीं होता है तो आप यहाँ पे आके डिलीट कर दीजिए ऐप को। और यहाँ पे आपको एक ऑफलोड ऐप का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उससे आपका ऐप डिलीट नहीं होगा, आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐप को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ऐप को भी डिलीट कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और एक बात और, अगर आप अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट कर देना है और दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अब आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको कम से कम 1 या 2 दिन का वेट कर लेना है, फिर आपको अपने आईफोन में लॉगिन करना है अपने इंस्टाग्राम आईडी को। जैसे ही आप आईफोन में लॉगिन करेंगे, आपकी आईडी इजीली लॉगिन हो जाएगी। और एक बार आपको क्या करना है, अपने पीसी या डेस्कटॉप में या फिर किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में भी चेक कर लेना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो आप यहाँ पे आईफोन में आपको क्या करना है, आईफोन में लॉगिन करना है। जितना मैंने टाइम बताया, 1-2 दिन का आपको वेट कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आईफोन में आप करके देख लीजिए, एक बार एंड्रॉयड में करके देख लीजिए, और डेस्कटॉप पीसी में भी करके देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा वेट ज़रूर करना है, उसी के बाद लॉगिन करना है। आपको ये प्रॉब्लम तभी देखने के लिए मिलती है जब आप अपने अकाउंट्स को ज़्यादा लॉगिन लॉग आउट करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो आपको वेट ज़रूर कर लेना है 1-2 दिन का, उसके बाद ही आईडी लॉगिन करनी है। आप अभी जल्दबाजी में ज़्यादा आईडी लॉगिन करेंगे, तो आपको और आगे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको वेट ज़रूर कर लेना है, और फिर अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू टेस्टी वीडियो के साथ।